गाइस मैं गया था एक छोटे से सुपरमार्केट में जो कि एक छोटी सी दुकान में खुला हुआ था, बट यहाँ प्रॉपर बड़े बड़े सुपरमार्केट्स की तरह सारी चीजें रखी हुई थी और सारा काम होता था। तो मैंने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना अपन भी एक ऐसा सुपरमार्केट स्टार्ट करें। बाकी मेरे पास पैसे तो लाली चंदानी जी जैसा शॉप खोलने के भी नहीं थे, लेकिन मैंने पापा के सामने दोनों हाथ पैर जोड़ के इतने पैसे निकलवा लिए कि अपन एक छोटी सी दुकान खरीद सके और अपना खानदानी धंधा स्टार्ट कर सके। तो आज से मैं अपनी शॉप खोलने वाला हूँ जिसको मैं एक बड़ा सुपर मार्केट बनाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। तो गाइस ये रही वो शॉप और ये काफी कम प्राइस में मेरे को मेन रोड पे मिल गई है। मतलब हाँ प्रॉपर मेन रोड नहीं है बट फिर भी लोकेशन इसकी बहुत सही है और इसका मैंने अभी से नाम सुपर मार्केट रख दिया है। चलो इसके अंदर चलते हैं और गाइस ये देखो ये वो मशीन है जो मेरे को बहुत महंगी पड़ी भाई। तो आज अपन अपना पहला आइटम मंगवाने वाले हैं जो कि अपन अपनी शॉप में रखेंगे और उसको फिर बेचेंगे। तो अपने सस्ते से कंप्यूटर के सस्ते से नेट से अपन ऑर्डर करते हैं कुछ तो। और सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है ना भाई वो आटा और तेल है, और हाँ ब्रेड भी अपन खरीद सकते हैं स्टार्टिंग में। तो गाइस मैं रखने वाला हूँ स्टार्टिंग में अपनी शॉप पे एक तो ब्रेड एंड थोड़ा सा आटा और तेल। मेरे पास इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए हैं और ये मेरे को 36 रुपीज का पड़ रहा है, तो आई थिंक सो इतना सही होगा। सारी चीज मैं खरीद नहीं सकता, हाँ चीनी और खरीद सकता हूँ, तो उसको छोड़ते हैं अभी के लिए। अपन इसको परचेज करते हैं एंड डन। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए बचे भाई। एक सेकंड रुको मुझे देखने दो, मेरा ऑर्डर आ गया है। गाइस यहाँ की जो डिलीवरी है ना बहुत सही है, मैंने जिस लोकेशन पे शॉप ली ना भाई जबरदस्त शॉप है। बाकी इन सबको मुझे अभी अंदर रखवाना है, तो डायरेक्ट क्यों ना अपन यहाँ पे रखवा देते हैं सामान। गाइस ये देखो, बाकी ये नीचे क्यों गया भाई, एक सेकंड रुको, इसको भी अपने को ट्रैश में फेंकना पड़ेगा। लेकिन ये नीचे क्यों रख दिया सामान भाई, इसको उठवाओ यहाँ से। अरे अरे और आइटम जमाते हैं जब तक अपन, ये आइटम नीचे जम गया कोई बात नहीं, एक एक करके सारा आइटम अपन यहाँ जमवा देते हैं क्योंकि मेरे को भाई कस्टमर्स चाहिए और कस्टमर से मिलेगा अपने को बहुत सारा पैसा। बाकी इनकी प्राइस भी अभी मेरे को सेट करनी है, तो इनकी प्राइस भी सेट करेंगे, पहले इन सब चीजों को जमवा देते हैं। मैंने बहुत सारी ब्रेड और बहुत सारा आटा मंगवा लिया है, एक सेकंड रुको गाइस, इनकी मैं प्राइस और सेट करवा देता हूँ। ये मैंने अभी खरीदा था जो ब्रेड है पर यूनिट मैंने खरीदी थी 99 पैसे की, और फ्लोर खरीदा था मैंने 79 पैसे का एंड ऑयल खरीदा था 1.50 पैसे का। ठीक है, तो अभी मेरे को ऑयल पे सेट कराने हैं 2.50 पैसे कैसे रहेंगे गाइस। ओके अपने को यहाँ पे ये भी पता पड़ रहा है कि मार्केट प्राइस क्या है, तो अपने को इतना कम रखने की जरूरत नहीं है, अपन इसको मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं और क्यों ना मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम बेचे, 10 पैसे कम, लेकिन कम तो कम होता है ना। लेट्स गो, मैंने यहाँ प्राइस लगा दी है और गाइस देखो अपना लग रहा है ना प्रॉपर वैसे ही सुपरमार्केट जैसे मैं सुपरमार्केट में गया था। बाकी इसकी भी प्राइस सेट करते हैं अपन, यहाँ पे है 3.71, तो इसको अपन डालने वाले हैं 3.50 पे। ठीक है, इसमें अपन ने 21 पैसे ऑफ कर रखे और इसमें भी क्यों ना अपन 20 पैसे ऑफ कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। चलो अभी मुझे ब्रेड की रेट भी सेट करनी है, 3.96 का है जिसको मैं बेचने वाला हूँ 3.70 में, 26 पैसे कम पे बेचने वाला हूँ मैं। तो गाइस अभी देखते हैं अपन जो अपना स्टोर है। ओके अपन ने स्टोर अभी क्लोज कर रखा है, स्टोर तो ओपन करते हैं। डन, मैंने स्टोर ओपन कर दिया है, अभी स्टोर ओपन करती गाइस अपनी शॉप पे लोग बाग आने लग गए। बाकी सर आपको क्या चाहिए? ओ गाइस ने एक फ्लोर का पैकेट लिया है, ये मशीन मुझे चलानी थोड़ी कम आती है, मुझे देखना। ओके अच्छा ये पैसे दे रहा है मेरे को, ठीक है पैसे मैंने ले लिए हैं और इसने मुझे दिए 50 रुपीज और इसका टोटल हुआ 3.50, तो मुझे इसको चेंज देने पड़ेंगे 46। साढ़े खुले रुपए नहीं दे सकता, सॉरी गाइस अभी थोड़ा नया धंधा है, देखो मैंने पैसे भी जमा रखे हैं अपनी रैक में, तो मुझे इसको देने हैं 40 एंड ओह शिट ये इसको ज्यादा तो नहीं दे दी गाइस, इसको मुझे चेंज देने 46.50 पैसे। तो 2020 के दो नोट, एक 50 का और एक 1 का, बाकी अभी पॉइंट वाले 50 पैसे कैसे दूं इसको मैं हैं गाइस, ये पैसे हैं और ये नोट है शायद, रुक जाओ एक ये एक ये। ओके डन, ये गाइस ये पैसे हैं, एक ये दो, डन डन मैं समझ गया हूं गाइस ये मशीन कैसे यूज करनी है और मुझे कैसे पैसे देने। तो भाई ये रे पैसे ले ले, अरे लाइन गाइस पैसे लेना भाई। ओके मैंने इसको पैसे दे दिए और अभी ये ब्रेड और ये इसे आगे करो भाई, कार्ड दे रहा है ये बंदा, इस कार्ड में मेरे को इसका अमाउंट डालना पड़ेगा जो कि है 7.20 भाई। कार्ड से दिया करो पेमेंट, सबसे बेस्ट है, क्या बात है एक बार में इसका पेमेंट हो गया। इसके आ रहे हैं 3.70 जिसने अपने को कैश दिया है। भाई कैश काटने में अभी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, सही बता रहा हूं मैं। तो दो नोट ये देने मेरे को, एक ये एंड 3 ये, लेट्स गो अप्रूव करते हैं इसको। अगला अपने से कोई तेल खरीदे, बाकी मैम बहुत ही बढ़िया आपने हमको कार्ड दिया, अभी जो है हमको मशीन से पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है भाई। 3.30 रुपीज लौटाने और मैंने ये इसे लौटा दिए। तो चेकआउट्स आर फुल गाइस, लोग बाग जा रहे हैं शायद, एक सेकंड को यार इनका पैसा जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा। इसने मेरे को 10 पॉइंट्स, ओके ठीक है जाना भाई, जब पैसा दे दिया तूने बराबर पैसा दिया तो दिक्कत वाली बात क्या है, इसने भी बराबर पैसा दिया है मेरे को। ओके इसको 2 रुपए चेंज देने, तो 1 2 एंड अप्रूव, लेट्स गो। तेरे को क्या चाहिए भाई, कार्ड, ओके बहुत बढ़िया। इसके अपने को काटने 7.80 रुपीज, भाई बहुत मेहनत वाला काम है, देख रहे हो गाइस जैसी बनिया नहीं बन जाते, बहुत पैसे की कैलकुलेशन रखनी पड़ती है। ओके इसने सही पैसा दिया, इसको अपने को देने 45 रुपीज, तो ओके डन। चलो इसको भी मैंने पैसे दे
दिए, इसका भाई काट दो, इसके अपने को काटने 7.20 रुपीस जो कि मैंने काट दिए। हेलो मैम। और गाइस ये पीछे से जो धुर आवाज आ रही है ना, लाली चंदानी जी अपना ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो उस पर फोकस मत करना ठीक है अभी के लिए, एक सेकंड मुझे काम करने तो थोड़ा सा। अच्छा इसने पैसा दिया पूरा ठीक है, चला आगे चल भाई। मैम आपकी ब्रेड का पैसा हुआ है 8 रुपए तो ये काट लो। चलो आपके तेल के पैसे हम आपको रिटर्न करते हैं बचे हुए। अरे अरे ये लो सर आपके चेंज। चलो भाई गाइस अभी के लिए मैंने सारे कस्टमर्स निपटा दिए, मेरे को यहाँ से निकलना था तो चेकआउट बंद क्यों कर दिया भाई मैंने, एक सेकंड रुको। ओके मैं यहाँ से आ गया हूँ। चेकआउट बंद नहीं करना है गाइस अपने को, अपन चेकआउट ही बंद कर सकते हैं जिससे कि लोग बाग यहाँ आए नहीं। हाँ या फिर अपन जब बड़े हो जाएं और ऐसी मशीनें 2-4 रख लें तो अपन को 2-4 चेकआउट बंद करने पड़ेंगे भाई, लोग बाग नहीं आए तो। देखते जाओ तो गाइस तुम धीरे धीरे करके अपन नौकर भी रखने वाले यहाँ पे। ओके मैम आपका हो गया है, आपकी ब्रेड सर लाइए दीजिए, काट दीजिए। एंड आपके हुए 3.7। शिट गाइस मैंने सस्ते में उसको ब्रेड भी, शिट गाइस मैंने उसको सस्ते में ब्रेड बेच दी, गलती से मैं क्लिक करना रह गया था मेरा कुछ तो। ओके इसको सस्ते में बेच के देखते, शायद उसको मैंने सस्ते में बेची नहीं, इसको मैं सिर्फ फ्री में बेचता हूँ। ओके इनकरेक्ट पेमेंट अमाउंट आ जाता है, सही है चलो दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना जितने का आइटम है उतने का ही बिकने वाला है। ओके सर ने ब्रेड लिए, जब तक मेरे को इनका बिल करा के भाई मेरे को और सामान मंगवाना पड़ेगा, रुक जाओ इसको देने हैं मेरे को 92 रुपीस। भाई इतना पैसा मत लिया करो तुम ठीक है, ले भाई जा। अभी एक बार के लिए मेरे को ना सामान खरीदने पड़ेंगे और अभी मेरे पास अच्छा खासा पैसा है तो क्यों ना मैं सारा आइटम मंगवा लूं। भाई मैंने बोला था ना अगर मैं ब्रेड वगैरह मंगवाऊंगा तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बिकेगी, बाकी मैं इस टाइम सब कुछ परचेज करने वाला हूँ जितना भी होलसेलर की दुकान पे अवेलेबल है, तो मैंने सब कुछ परचेज कर दिया। हेलो मैम आपको तेल चाहिए, हम तेल देंगे आपको, बाकी इनको 11 रुपए लौटाने तो 11 रुपए लौटा दिए। हेलो सर आपको क्या चाहिए, आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, सर को देने 40 रुपए। डन। हेलो बड़ी तेल कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसे चश्मा वश्मा लगा के, हमको तो ये समझ नहीं आई। 4.30। चलो भाई डन गाइस, अभी मेरी सुपरमार्केट में यार सारा सामान ही खत्म हो गया है, लोग बाग आएंगे कैसे। रुक जाओ मुझे जमाने दो भाई फटाफट। सुसु मंगाइए मैंने, व्हाट इज दिस, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। बाकी होलसेलर की दुकान में जो जो अवेलेबल था मैंने सब मंगा दिया, चाहे बिके ना बिके, बट हाँ अपन बेच देंगे, बेच लाना चाहिए गाइस, बस सब कुछ बिक जाता है। लेट्स गो, सब कुछ मैंने सामान वापस जमा दिया। भाई पैसे सेट नहीं कर रखे मैंने, कहाँ आ रहा है तू। अच्छा तेल का पैसा, ओए 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 उसका प्राइस सेट नहीं है, तू ले कैसे रहा है भाई। उसने एक लाइन खाली कर दी पूरी, 4.83 का है ना, मैं इसको बेचने वाला हूँ 4.80 में। डन, अपनी शॉप अच्छी खासी चल रही है, मैं इतने प्राइस में बेचूंगा। ये चल रहा है 3.12 तो इसको मैं बेचने वाला हूँ 3.10 में। ओके 3.10 और 3.80, इसकी प्राइस 3.83 चल रही थी ना, ठीक है डन। अभी यहाँ पे लाइन लग गई और शाम हो गई गाइस, देख रहे हो कितने कस्टमर है भाई। हाँ भाई जाओ पैसे दो, आपको देने 70 पैसे। चलो आगे बताओ। अरे भाई देखो बोला था ना इसने बहुत सामान खरीदा है, लेट्स गो। इसके मेरे को 8.90 रुपीज काटने, जाओ भाई आप बताओ आपको क्या चाहिए। डन 5.11। डन इसका भी हो गया है, आपको क्या चाहिए मैम। एक सुसु लिखा ही नहीं, पता नहीं क्या भाई, रात हो गई एक तो। अच्छा इसने पैसे दिए मेरे को, इसको 90 पैसे देने और मैंने इसको पैसे दे दिए। चलो भाई मैं पहले सामान जमवा देता हूँ भले रात हो गई हो, क्योंकि यार अभी स्टार्टिंग है अपने शॉप की और मेरे को बहुत सारा काम करना है। बाकी मेरी रात में भी शॉप खुली है तो क्या रात में लोग बाग आएंगे, रात में लोग बाग आ रहे हैं भाई, सही है। और मेरे को इनकी प्राइस भी चेंज करती रहनी पड़ेगी क्योंकि प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है। बाकी रात में लोग बाग आ रहे हैं यार, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। लाइट्स वगैरह ऑन होगी क्या। ओके गाइज मेरे को ये ही नहीं पता था कि इसमें लाइट्स ऑन होगी, थोड़ा सा मेरा दिमाग कम काम कर रहा है। देखो इतना सारा काम कर रहा हूँ मैं एक साथ, थोड़ा सा हो जाता है। बाकी सर का कार्ड लेते हैं और इनका पेमेंट लेते हैं। ओके भाई एक बार में खूब पैसा आ रहा है। डन आपको क्या चाहिए सर, 2 तेल की बाटली। आपका पैसा हुआ 1.6 रुपया। चलो सर आप बताइए, लाइए आपका कार्ड लाइए सर, 6.49 रुपीज। ओके सर आपका भी काम हो गया। चलो भाई इनका भी मैंने बिलिंग कर दी है, बाकी अपन देखते हैं अपने होलसेलर की दुकान पे और आइटम आया है कि नहीं आया। बाकी फर्नीचर वगैरह अपन अपनी शॉप पे खरीदवा सकते हैं, बट यार इसके लिए इतना पैसा नहीं अपने पास, $100 है। बाकी अपना फर्नीचर एक शुरू ही 200 से हो रहा है, तो फर्नीचर तो अभी नहीं मंगवा रहे, प्रोडक्ट्स ही मंगवा सकते हैं जो कि अभी अपनी शॉप पे सारे अवेलेबल है। बाकी सुसु कम हो गया, सुसु है क्या ये। ओके सुसु शायद स्ट्रॉबेरी पाउडर है या फिर क्या पता नहीं। बाकी गाइस आज का दिन पूरा हो गया और आज अपन शॉप को करते हैं बंद। अपनी जो टोटल इनकम है वो ये 194 और जो सप्लाई कॉस्ट है वो है अपनी 136, तो अपन टोटल 58 रुपीस प्रॉफिट में। बाकी इस टाइम अपने पास 108 रुपीस है, तो आज अपना दूसरा दिन अपनी शॉप पे, तो अपन सबसे पहले अपनी शॉप को ओपन करते हैं ठीक है, जिससे कि लोग बाग आना चालू हो जाए, और शॉप की लाइट ऑन करते हैं तो थोड़ा सा उजाला हो जाएगा अपनी शॉप में, भले दिन हो तो क्या हुआ, शॉप चमकती धमकती रहनी चाहिए ना भाई। बाकी जब तक कस्टमर आते हैं मैं देख लेता हूं कि थोड़ा बहुत और आइटम मंगवा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने पास जो सुसु है ये देखो, अच्छा सुसु नहीं है वो सुगर, सॉरी अपन ये मंगवा लेते क्योंकि सुगर लोग बाग बहुत खरीद रहे हैं। मैंने 2 बॉक्स सुगर मंगवा दिया है एंड फ्लोर 1 पैकेट मंगवा देते हैं। रुक जाओ और किस चीज की कमी अपने यहाँ पे, बाकी लोग बाग ऑयल भी बहुत खरीद रहे हैं और फ्लोर तो मैंने मंगवा ही दिया, तो ऑयल और मंगवाता हूँ मैं। लेट्स गो। डन भाई इनकी बिलिंग करते हैं। हेलो सर। ओके डन आपकी बिलिंग हो गई है, अभी मुझे थोड़ा बहुत सामान जमवाना है वो मैं लेके आ जाता हूँ।
हूँ ये क्या है भाई, इसके अंदर शुगर पाउडर है, इसको रखते हैं यहाँ पे एंड डन। थोड़ा बचा हुआ यहाँ रख देते हैं, लेट्स गो। लास्ट बॉक्स बचा हुआ है अपना, इसमें क्या है? ओके, दो शुगर पाउडर के बॉक्स मंगवाए थे मैंने, तो काफी सारे शुगर आ गए अपने पास। इसमें थोड़ा बहुत फ्लोर है जिसको मैं यहाँ पे खाली करवा देता हूँ, लेट्स गो। अपने कैश काउंटर पे बहुत सारी भीड़ लग चुकी है, फटाफट से इनका काम करते हैं। भाई क्या चाहिए आपको? ब्रेड चाहिए? ओके सर, आपको 1.30 पैसे देने मैंने दे दिए। आपको कितने चाहिए मैम? 70। बाकी मैम आप बताइए। ओके भाई, कार्ड वाले मेरे को बहुत सही लोग लगते हैं, क्लासी लोग है भाई, क्लासी लोग। देख रहे हो अपनी शॉप पे अभी से क्लासी लोग आने लग गए, ऐसी बात नहीं है। तो इनको देने 6 रुपए और 50 पैसे, लेट्स गो। हेलो बड़ी, आप बताइए, आपका आपका पेमेंट हुआ 9.9 पैसे, लेट्स गो। सामान जमवा देता हूँ गाइस, एक और बच रहा है अपने पास, जिसके अंदर अपने पास तेल की बाटली बची हुई, रखवा देते हैं यहाँ पे एंड डन। चलो भाई अभी के लिए देखो गाइस, अपनी शॉप पे बहुत अच्छा खासा आइटम है। मेरे को जो है पास्ता खरीदवाना है, पास्ता खत्म हो गया अपनी शॉप पे, तो पास्ता खरीदवाते हैं। जब तक मैम आई है, मैम भी अपन बिलिंग कर देते हैं। हेलो मैम, आपके टोटल रुपए हुए 10.78। इस बार आप तेल नहीं खरीद के लेके जा रहे, क्या बात है? पर घर के लिए आइटम लेके जा रहे हो? इससे पहले सर बाहर के लिए आइटम लेके गए थे, किसी को बताना मत गाइस। टेक मनी बैक, अरे पता ही नहीं। ये लो सर आपका पैसा। अभी अपना ऑर्डर आ गया होगा। चलो भाई पास्ता आ गया, पास्ता अपन रखवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बचा हुआ पास्ता अपन यहाँ रखवा देते हैं, लेट्स गो गाइस। इनकी प्राइस भी मुझे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है। ओके, अभी वही प्राइस चल रही जो पुरानी प्राइस थी। हेलो सर, आपकी ब्रेड आपको पड़ी 3.7 पैसे की। हेलो, आप बताइए, आपने लिए हैं 2 ब्रेड 2 फ्लोर जो कि आपको 7 रुपए के पड़े। लेट्स गो गाइस, अभी अपनी शॉप पे बहुत जल्दी जल्दी आइटम खत्म हो रहा है, तो अपने को इस टाइम और मंगवाना चाहिए थोड़ा बहुत फ्लोर। और तो किसी चीज की कमी मुझे लग नहीं रही। लोग ब्रेड नहीं खरीद रहे हैं क्या? क्या हो गया है? ब्रेड की जो प्राइस है वो तो बल्कि सस्ती डली हुई है यार, लोग ब्रेड नहीं। ओके, और ये भी नहीं खरीद रहे, इसकी प्राइस ही नहीं डाली है मैंने। इसको मैं डाल देता हूँ 5.90 पैसे में, डन। हेलो मैम, आपकी शुगर आपको पड़ी 9.6 पैसे की, आप जा सकते हैं। ऐसे या तो प्रॉपर खुले पैसे दे देना तो मजा आ जाता है। चलो अभी मेरे को जो है ना थोड़ा बहुत फ्लोर मंगवाना था, फ्लोर मंगवाते हैं, उसको जमवा भी देते हैं। भाई कहाँ है ये अपना? आ गया है फ्लोर, यहाँ पे जमवा देते हैं इसको अपन, और साथ ही साथ डस्टबिन में अपना कचरा डाल देते हैं, लेट्स गो। हेलो सर, आप बताइए आपको क्या चाहिए? एक फ्लोर, एक पास्ता, आपके हुए टोटल 6.6 रुपीज। और सर आपको चाहिए शुगर? और भाई फिर खुले नहीं लेके आए तुम, गर्म नहीं है? चलो भाई गाइस, तो अभी शाम होने लग गई है और कस्टमर थोड़े बहुत कम हो गए। मैं जला देता हूँ अपने यहाँ की लाइट। ओके, लाइट्स तो मैंने जलवा रखी थी ना, सही है भाई। अभी गाइस अपने पास अच्छा खासा पैसा आने लग गया है, तो अपन फर्नीचर वगैरह भी खरीद सकते हैं। ये लीजिए सर आपके 20 पैसे, आपकी ब्रेड के रुपए हुए सर 1। तो इतना पैसा लौटाना पड़ता है इनको। ओके डन, अभी गाइस मेरे को परचेज करना है सीरियल और इनको करते हैं परचेज, लेट्स गो। मैम आप बताइए क्या चाहिए? आप इनको लौटाने अपने को 4 रुपए और 30 पैसे, डन। हेलो सर, आप बताइए आपका टोटल अमाउंट हुआ है 18.20, डन। हेलो सर, आपका टोटल पेमेंट हुआ 9.1, जा सकते हैं। गाइस अपनी देख रहे हो रात में भी शॉप क्या मस्त चलती है, शाम के टाइम पे लोग बाग ज्यादा आते हैं। गाइस मैंने अपनी शॉप पे बहुत सारा आइटम मंगवा के रखवा दिया है, जो कि अभी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो रहा है। बाकी गाइस अपन इनको ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी 5 पैसे ज्यादा दिए, तो उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यार। बस ज्यादा पैसे वापस रिटर्न ना कर दूं इन लोगों को, मेरे को देख के करना पड़ेगा। बाकी आज का डे फिनिश हो गया गाइस, आज अपन चलते हैं घर पे, और आज का अपना टोटल प्रॉफिट है 42 रुपीज। यार कल से भी कम था ये तो। और बाकी अपनी प्राइसेस चेंज हो गई है आज के दिन, ब्रेड की प्राइस घट गई है गाइस। ओ शिट, मैंने ये मंगवाई महंगे में थी बट अब घट चुकी है, तो कोई बात नहीं, अब अपने को प्रॉफिट कम मिलेगा इस पे, लेकिन बाकी सारी चीजें शायद सही है। ओके, इस पे अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई चीजें महंगी हो जाती है गाइस, कई चीजें सस्ती हो जाती है। बाकी ये 1 रुपए महंगा हो गया भाई, तो इसको अपन 5.60 पैसे में लगवा देते हैं, लेट्स गो। पास्ता कितने का बिक रहा है भाई? सही है, पास्ता सही बिक रहा है और आटा बहुत सस्ता बिक रहा है भाई, डन, लेट्स गो। बस ये लोग फटाफट सामान लेके जाएं और अपना काम बन जाए। इस टाइम मैंने सबकी 10-20 पैसे कम कर रखी है प्राइस, तो अपना आइटम जल्दी बिकेगा। बाकी अभी तक कोई कस्टमर क्यों नहीं आया? अरे शिट यार, मैं हमेशा अपनी शॉप पे आ जाता हूँ बट अपना ये क्लोज और ओपन करना भूल जाता हूँ यार। बाकी अपने पास यहाँ पे गाइस एक और रूम है जो कि अपन बाद में खरीद सकते हैं, और एक अपने पास स्टोरेज रूम है जो भी खरीद सकते हैं। बाकी मेरे को मालिक ने बोला था यार तुम ये चीज खरीद लेना, बट मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे तो मैंने खरीदा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन इन चीजों को भी खरीद सकते हैं। बाकी अभी पैसे नहीं है तो इनको बाद में खरीदेंगे। अभी अपन चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप पे, और अभी मुझे पता लगा है कि यार अपनी जो शॉप है ना वो लाइसेंस्ड ही नहीं है, तो मेरे को लाइसेंस खरीदना पड़ेगा अपनी शॉप के लिए सबसे पहले, तो जिससे कि मैं लीगली अपनी शॉप पे प्रोडक्ट्स बेच पाऊं। बट यार वो है 200 रुपीज का। गाइस लोग बाग कमीशन बहुत खाते हैं, कमीशन ही कमीशन खाते हैं, देख रहे हो तुम कितना कमीशन खा रहे हैं लोग बाग, कि मुझे एक लाइसेंस नहीं मिल सकता है। कोई बात नहीं गाइस, इस पापी दुनिया में मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि राज करूंगा, देखते जाओ तुम। कोई बात नहीं गाइस, ये देख रहे हो कैसे बिक्री हो रही है मेरी। चलो मैम आप बताइए, फटाफट बिलिंग कर देता हूं,
देख रहे हो तुम। डन, लेट्स गो गाइस। मेरे पास 200 रुपीस हो चुके हैं और मैं अभी खरीदने वाला हूँ अपना प्रोडक्ट लाइसेंस, जिससे कि अपने को होलसेलर से कुछ नए आइटम्स और मिल जाएंगे। बाकी अपने पास 2 दिन का एक बिल आ रखा है और रेंट का बिल भी है। शिट गाइस, मैंने जो लाइट जला रखी थी वो मुझे नहीं जलानी है दिन के लिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जलानी है। मुझे पता नहीं था गाइस ये लाइट का पैसा अलग से आता है, मेरे को लगा रेंट में अपना पैसा भर देते होंगे अपन बिल वगैरह का भी, बट ऐसा नहीं है। बाकी कई सारी चीजें अपन ऑनलाइन बंदों को हायर कर सकते हैं, बट अभी के लिए वो देखने का मतलब नहीं है, अपने पास इतने पैसे ही नहीं है भाई। इन लोगों को पैसा देते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं पहले तो। हेलो सर, आप बताइए, आपका टोटल अमाउंट हुआ है 11.80। डन, चलो भाई। अभी मेरी शॉप पे भाई आइटम वापस खत्म होना चालू हो गए, बट मेरे पास अब पैसे ही नहीं कि मैं दोबारा इनके लिए सामान मंगवा सकूं, लेकिन ठीक है ये लोग खरीदेंगे वैसे मेरे पास सामान हो जाएगा। हेलो सर, आपका टोटल अमाउंट ठीक है, 60 पैसे लौटाना है। Couldn't find the roast slice bread. Okay, उसको ब्रेड नहीं मिली गाइज। ये देखो ब्रेड अपने पास खत्म हो गई है और लोगों को ब्रेड चाहिए, अब बताओ कहाँ से दे गरीब आदमी के पास। देखो देखो देखो, सबको कुछ कुछ तो चाहिए भाई। अब तुम्हारी है ना बिलिंग बाद में करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अरे अरे, क्या अमाउंट भर रहा हूँ मैं, 10.6 पैसे लेने। चलो भाई, अभी मुझे सबसे पहले तो यार होलसेलर की दुकान से कुछ खरीदने दो, वरना अपना काम नहीं बनने वाला। बाकी गाइज, अभी इन सब चीजों की प्राइस है ना हाई चल रही है, जिन चीजों की प्राइस अभी डाउन चल रही है वो अपन खरीद लेते हैं। जैसे कि हो गई ब्रेड, स्लाइस ब्रेड लोगों को चाहिए भी, और अपन खरीद देते हैं वाटर बोतल साथ ही साथ एग्स। बट यार एग्स और वाटर बोतल फ्रिज में तो नहीं। ओके गाइस, ये फ्रिज में रखना पड़ेगा अपने को। देखो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है। डन डन गाइस, मेरे से गलती हो जाती है अभी तो। अपने पास वाटर बोतल रखने की जगह नहीं है, ये नहीं मंगाएंगे वरना ये प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो अभी अपन जो सेल्फ में रखने वाली चीजें ना वो मंगवा लेते हैं, टी ब्लैक हो गया जैसे कि ये सब, और अपने पास शायद ब्रेड की कमी थी, बाकी ब्रेड मैंने मंगा ली। चलो लेट्स गो गाइस, ये परचेज। शिट, मैं ये चीजें परचेज ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अपने पास इतना पैसा ही नहीं है, लेकिन ठीक है आज के दिन अपने पास पैसा आ जाएगा। इतनी देर से मैं बिलिंग नहीं कर रहा था, बिलिंग करता हूँ फटाफट। एक सेकंड, क्या मैंने 20 पैसे देने की जगह 20 रुपए दे दिए अभी अभी गाइस? फुल फोकस भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने उसको 20 रुपए दे दिए। वो सामान खरीद के गई होगी 2 रुपए का, उसको मैंने पैसे शिट गाइस, ये बहुत लफड़ा है, मुझसे दिक्कत हो गई गाइस। इनसे अगर ज्यादा पैसे काटो ना तो ये लोग बोल देते हैं कि भाई इतना ज्यादा क्यों काट रहे हो, अगर इनको गलती से ज्यादा रुपए दे दो तो ये चू भी नहीं करते कि भाई तुमने ज्यादा रुपए दे दिए। शिट भाई यार, मेरे को एक तो ना पैसा कमाना है और सामान मंगाने, तुम यार मेरे साथ चीटिंग मत करो यार। नहीं नहीं शॉप है भाई, अब की बार मैं बिल्कुल दे के इनके पैसे काट रहा हूँ। बाकी मशीन अगर ज्यादा यार कम काटती तो शायद बोल देते हैं। जो कैश वाला सिस्टम है ना वो थोड़ा खराब है यार, कैश में गलती से ज्यादा दे दिए पैसे तो दिक्कत हो जाती है। देखो मैंने ये ऐसे 20 पैसे लिखे हुए आ रहे थे और मैंने शायद तो ऐसे 20 रुपीज उसको दे दिए थे भाई। शिट, हाँ बिल्कुल सही भाई, ऐसे देख लो गाइस, देख लो अब ये कितने से रुपए का आइटम लिखे गया। बाकी अपने पास इस टाइम 200 रुपए हो चुके हैं, तो ये आइटम अपन मंगवा सकते हैं। बाकी क्लोज्ड आफ्टर 9 PM। ओके, होलसेलर की दुकान बंद हो गई है, आज अपने को भी शॉप बंद करनी चाहिए। बाकी शायद आज अपन लॉस में, ठीक है लॉस में नहीं है बट लॉस तो हुआ है। इसको अपन शॉप ओपन करते हैं, सामान मंगवाते हैं फटाफट से आज के लिए, और बाकी थोड़ा बहुत और मंगवाना यार जो कि खत्म हो गया होगा शॉप पे सामान, जैसे कि फ्लोर हो गया, ऑयल हो गया, पास्ता हो गया, शुगर हो गया। डन, मैंने ये चीजें भी मंगवा दी है। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से और इनको जमवाते हैं। अपने पास काफी सारा सामान वापस आ गया है तो इन चीजों को वापस से कुछ दिनों तक कमी नहीं पड़ेगी। ये अपन ने मंगवाया था ब्लैक कॉफी। ओके डन, शायद ये ब्लैक कॉफी है। और ये रहा अपना फ्लोर, अरे अरे कितनी जगह पे जमवा दिया इसको मैंने। डन, मेरे को दूसरा बॉक्स दो। ब्रेड है ये, इस ब्रेड को अपन जमवाते हैं यहाँ पे। एंड मैम आप ब्रेड भी ले सकती हो, ब्रेड ले लो, ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी खरीदो मेरा आइटम। मस्त लाइन सी लगा लो तुम लोग, फिर मैं एक साथ तुम्हारी बिलिंग कर दूंगा। बाकी ये कॉफी पाउडर है या फिर ओके ये टी पैक है। डन डन, बच्चा खरीदने आया? अच्छा बच्चा नहीं है ये, सॉरी मेरे को लगा कोई तो बच्चा कुछ खरीदने आया अपनी। डन सर, आपका पेमेंट हो गया है, आप बताइए। ब्लैक कॉफी मैम, इतनी ब्लैक कॉफी मत पिया करो, ब्लैक हो जाओ। 0.98 गाइस, मैं प्रॉपर वो बनिया वाले काम कर रहा हूँ जो घर का बनिया होता है ना, शिक्षा भी देता रहता है, बेचता भी। ओहो भाई, अब देखो भाई कितने रुपए मिल रहे हैं अपने को। सही है, अब लोग महंगा महंगा सामान खरीद के लेके जा रहे हैं ना, अब हुई ना बात। बाकी अब कार्ड ही कार्ड दे रहे हैं, जब से मैंने गलती करी जब से कार्ड ही दे रहे हैं लोगों को, पता नहीं क्या हो गया। डन, इसको 5 रुपए देने। एंड लेट्स गो, आपको क्या चाहिए मैम? एक पास्ता जो कि 3.10 रुपीज का है, आप जा सकती हैं। बाकी प्राइस देख लेते हैं अपन सबकी सही लगी हुई है कि नहीं। डन, इसकी मैं प्राइस 60 से 70 करने वाला हूँ क्योंकि अब भाई अपने को पड़ता नहीं खा रहा इतना सस्ता बेचना। एंड इसको 40 रहने देते हैं। डन, इस पे ब्रेड पे प्राइस अपने लगा रखी है 10 की जो कि 17 की
बिक रही है एंड इसपे 80 ओके सारी प्राइस सही लगी हुई है। इसकी प्राइस तो मैंने सेट ही नहीं करी है और ये लोग खरीद लेके शिट गाइस, इस पे मेरे को और प्रॉफिट मिल सकता था जो कि मैंने ये कितना कॉफी पीती है भाई, अभी अभी खरीद के गई। चलो ठीक है, इस पे भी तो प्राइस सेट करनी है। इसकी प्राइस है 5.70, तो इसको भी अपन मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम बेच रहे हैं, बट ठीक है। बाकी सर आपका पेमेंट हो गया है, आपको 6.7 लेट्स गो। मैम आपका पेमेंट है 13.90। और ये कौन सी प्राइस पे खरीदी, एक सेकंड रुको मुझे देखने दो। अबे यार लेबल क्लियर कर दिया मैंने उधर से, शेट कोई बात नहीं, इसको लौटाने 1.90 पैसे एंड डन। चलो भाई सर आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपका पेमेंट कर देते हैं हम 15. बेटा चलो भाई रुक जाओ, मेरे को पहले तो ब्लैक कॉफी मंगाने दो, मैम बार बार आ रही है ब्लैक कॉफी लेने और मैं उनको ब्लैक कॉफी नहीं दे पा रहा हूँ, ब्लैक कॉफी बहुत बिकी है भाई, 2 पैकेट मंगवा लेता हूँ। बाकी इतनी महंगी है भाई ब्लैक कॉफी, डार्क कॉफी भाई। ठीक है चलो फिर भी मैंने मंगवा दिए, इसको अपन उठाते हैं और यहाँ पे जमवाते हैं, डन। इसकी प्राइस सेट है पहले से, ठीक है मुझे जरूरत नहीं है सेट करने की। एक और बॉक्स मेरे पास है जिसको मैं यहाँ रखवाने वाला हूँ एंड उसकी प्राइस भी एकदम अपने आप सेट हो चुकी है। लेट्स गो सर आपकी बिलिंग कर देता हूँ मैं फटाफट से, आप बताइए आप कितना पैसा चाहिए, 5 रुपए। आप चलो इनको क्या चाहिए, कॉफी डार्क रोस्ट भाई, वो रख के लाया, एक बार सामान लेके काउंटर पे आ गए तो दोबारा नहीं जा सकते भाई, घटिया लोग। ओके मैम आपके 15 पैसे काट लेते हैं हम, 14.5 आप बताइए आपको चाहिए, 7.50। ओके ये बड़ा माल लेके जा रहा है भाई, इसको 8 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है, जा भाई। अब गाइज मैं प्रॉपर देख देख के पैसे दे रहा हूँ इनको, क्योंकि मेरे को पक्का पता है मैंने उसको ज्यादा पैसे दे दिए थे। बाकी इसका बिल हुआ है 25.10 रुपीज, जा भाई। ओह मोटी पार्टी भाई, मोटी पार्टी। ये लो सर आपका पैसा, आपको क्या चाहिए, ओके डन, आपको क्या चाहिए मैम। बाकी अंधेरा हो गया यार, मैं लाइट इसलिए नहीं जला रहा हूँ क्योंकि लाइट वालों को बिल देना पड़ेगा, डन। चलो लाइट जला के आई जाता हूँ मैं, इतनी कंजूसी भी नहीं करते। मैं खरीदवाने वाला हूँ इस टाइम ऑयल और ब्रेड, ठीक है ऑयल खत्म हो गया, ब्रेड खत्म हो गई है और थोड़ा बहुत पास्ता, ऑयल ब्रेड एंड यार ये महंगा मिल रहा है अपने को फ्लोर जो है ना। बाकी शुगर खत्म हो गया क्या, नहीं शुगर पड़ा है अपने पास, डन मैम। ओके आप बताइए आपका पेमेंट हुआ है 30, ओके आप जा सकते हैं। फ्लोर खरीद देते हैं अपन, चलो लेट्स गो, मैंने परचेज कर लिया है, इन चीजों को अपन जमवा देते हैं। अपने पास इसके अंदर शुगर है, इसको थोड़ा बहुत ऊपर रखवाते हैं और इनको अभी कोने में पटकते हैं भाई डब्बों को, दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मेरे को इनकी बिलिंग भी करनी है क्योंकि रात होती जा रही है, अभी ये लोग चले। ओ शिट गाइस देखो फिर से मैं वो गलती कर रहा था, एंड डन। 1 2 3 1 2 3 4 लेट्स गो, थोड़ा बहुत आइटम और पड़ा गाइस, इनको भी जमवाते हैं अपन। और यहाँ फ्लोर ही फ्लोर हो गया सब तरफ, 2 पैकेट का मंगवाया मैंने फ्लोर, इसको लो। और ये है तेल की बाटली, अपनी तेल की बाटली यहाँ लगवा देते हैं अपन, लेट्स गो। थोड़ा बहुत पास्ता है जिसको यहाँ लगवा दिया एंड डन। आप बताइए सर आपका टोटल अमाउंट हो गया, चल डन गाइस, आज का दिन पूरा हो गया। जो बचा हुआ कचरा है अपनी शॉप पे उसको अपन साफ करवा देते हैं एंड लेट्स गो, आज अपनी शॉप को बंद करते हैं अपन एंड देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो। ओके आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट 66 ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन ठीक है प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है भाई। चलो आज के दिन अपन अपनी शॉप को खोलते हैं और देखते हैं कुछ नई चीजें जो कि अपन मार्केट से ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास हो गया सेक्शन 2 परचेज दिस सेक्शन ऑन एक्सपेंड योर सुपरमार्केट। अपन अपनी सुपरमार्केट को बढ़ा सकते हैं बट उसके लिए अपने को लग रहे 350 रुपीज, जो कि अभी अपने को नहीं चाहिए। बाकी अपन कैशियर हायर कर सकते हैं, फिर अपन बाहर जाके और दूसरे काम कर सकेंगे। बाकी स्टोरेज जो है वो लॉक्ड है अभी, मैंने जैसे कि बोला था स्टोरेज भी सकते हैं अपन एंड डन, अपन अपना रोज का धंधा करते हैं। लेट्स गो मैम आपका पेमेंट हो गया है। बाकी मेरे पास गाइस अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, देख रहे हो तो। क्या मुझे शॉप से फर्नीचर खरीद देनी चाहिए, और फर्नीचर के लिए मुझे चाहिए फ्रिज, और जिसके लिए मुझे भाई 200 रुपए लग जाएंगे यार। और बड़ा वाला फ्रिज है ना यार, बड़ा वाला फ्रिज ज्यादा सस्ता है गाइस, मैं क्या कह रहा हूँ। डायरेक्ट अपन बड़ा वाला फ्रिज मंगवाए तो ज्यादा फायदे में नहीं रहेंगे गाइस, मैं डायरेक्ट बड़ा वाला फ्रिज मंगवाने वाला हूँ, तो अभी नहीं मंगवा रहा मैं फ्रिज। थोड़ा बहुत पैसा और आ जाए मेरे को 300 रुपए करने हैं टोटल में, जो कि गाइस हो चुके हैं अपने पास 335 रुपीज हो गए हैं। आप बताइए मैम आपको, चल अभी के लिए गाइस मैं मंगवाने वाला हूँ अपनी शॉप पे फ्रिज भी, जो कि होगा 375 का एंड एक और फ्रिज है यार 400 का। अब इनमें से फ्रिज अच्छा कौन सा है भाई, मुझे कोई बताएगा। ठीक है मैं ये वाला फ्रिज तो मंगवा रहा हूँ और इसको मैंने परचेज कर दिया है, ये फ्रिज शायद आ चुका होगा बाहर। उससे पहले इनकी मैं बिलिंग कर देता हूँ 20.80। ये रहा गाइस अपना फ्रिज, और इसको अपन कैसे और कहाँ रखवाए, ओके डन, ये ऐसे रखा जाएगा, इसको अपन यहाँ पे रखवा देते हैं अभी के लिए एंड लेट्स गो। मैंने यहाँ रखवा दिया है, अभी मेरे को फ्रिज के आइटम भी मंगवाने यार, लेकिन पैसा तो खत्म हो गया है, कहाँ से मंगवा। शिट भाई यहाँ लाइन
लग रखी है ना, इनका मैं अमाउंट लूं फटाफट। और जो ये नॉर्मल आइटम है वो भी खत्म हो गया है। गाइस कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी बड़ा फ्रिज मंगवा के, क्योंकि अभी तो इतना काम भी नहीं था यार, मैं फ्रिज का इतना आइटम कहां ही मंगवा पाऊंगा। लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग में एक बड़ा फ्रिज आ गया तो अपने पास सामान रखने की जगह है। लेट्स गो, फटाफट फटाफट अपन चीजें बेचते हैं और पैसा लेते हैं। ओके सर, आप ये लीजिए, जाइए, आप बताइए। 8.80 डन, आपका कैश हो गया मैम। चलो भाई अभी मुझे ना पहले तो नॉर्मल सामान ही खरीदना है, क्योंकि जो फ्रिज का सामान है ना भाई वो बहुत महंगा आने वाला है। ये देखो 23, ओके महंगा नहीं है यार, क्यों ना ये भी खरीद दिया जाए, मिल्क और ये सब साथ में। बाकी अपने को चाहिए फ्लोर, ब्रेड एंड पास्ता एंड शुगर पाउडर। लेट्स गो, ये सारी चीजें मैं मंगवा देता हूँ। और चीज भी सस्ता आ रहा है, चीज भी मंगवाते हैं। बाकी डार्क कॉफी बहुत महंगी यार, डार्क कॉफी नहीं मंगवा रहे अभी। लेट्स गो, 126 का मैंने आइटम और परचेज कर दिया है। मेरे को लाइट जलवानी पड़ेगी यहाँ की। हेलो मैम, आपको क्या चाहिए? ओके आपका बिल हुआ है 14.5। लेट्स गो, मैं थोड़ा बहुत आइटम जमवा देता हूँ जब। भाई और ये ऐसे फैला के कौन गया है? अबे यार ये कोई तमीज है भाई, होलसेलर वाले को पीटना पड़ेगा पकड़। बाकी ये अपना चीज है मेरे जहाँ तक, हाँ ये शायद चीज ही है। इसकी प्राइस सेट करते हैं साथ के साथ अपन, 3.40 का बिक रहा है, अपन इसको 3.35 में बेचने वाले हैं। चलो लेट्स गो, आगे देखते हैं अपन और कुछ आइटम। इसमें तेल है और तेल मुझे रखना है यहाँ पे, इसको यहाँ रख देते हैं। गाइज मैं ना अभी जो शेल्फ में सारे आइटम नहीं रख पाने वाला हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आइटम है ना बचा हुआ उसको मैं अभी बगल में पटकवा दूंगा। जैसे कि अपने पास बोतल ज्यादा आई हुई है भाई, कोई बात नहीं, इसको भी बगल में पटको। जैसे जैसे बिकते जाएंगे वैसे वैसे मैं और जमवा दूंगा। मिल्क है वो भी इसके अंदर ही आने वाला है। लेट्स गो, ओके मिल्क तो मैं सारा रखवा देता हूँ, शायद बिक जाएगा। और मिल्क की प्राइस भी सेट करो भाई, ये है 2.40 का, तो इसको अपन 35 में बेच देते हैं, डन। और जो वाटर प्राइस है वो है 2.66 की, जिसको अपन 2.50 में बेचने वाले। गाइस थोड़ा सा पानी अपन फ्री में पिला देंगे, थोड़ा सा फ्री में पिला ही रहा हूं ना भाई, जब सस्ता दे रहा हूं तो। चलो ये शुगर पाउडर है जिसको मैं रखने वाला हूं यहां पे, डन। भाई अब मैं थोड़ा सा इनको पैसा दे दूं। रे इतना पैसा मत लेके आया करो, बड़े बड़े नोट ले आते हो भाई तुम, शर्म नहीं है तुमको? चलो भाई इधर के मैंने लोग बाग फ्री कर दिए थोड़े बहुत, दो और बच रहे एंड डन। लो भाई इधर का काम हो गया है, मैं बचा हुआ सामान जमवा देता हूँ। इधर पानी की बोतल्स थी ना, इनको और जमवा देता हूँ यार, सारी अंदर ही रखवा देता हूँ, क्या पता जो फ्रिज का आइटम है वो खराब हो जाए। तो फालतू में इन चीजों से पंगा लेने से मतलब नहीं है। इधर है अपने पास ब्रेड, और ब्रेड मैं रखवाने वाला हूँ यहाँ पे। लेट्स गो, रख दे भाई। चलो तो बाहर पटक के आओ, इसको उठाओ। इसमें है अपने पास अंडे जो की जाने वाले हैं यहाँ पे। लेट्स गो, अंडे भी सारे गए। इसमें अपने पास फ्लोर जो की आधा यहाँ और आधा यहाँ आ जाएगा। इसमें अपने पास पास्ता है जो की अपने यहाँ जमवा दिया। बाकी अभी गाइस मैं देखने वाला हूँ कि सबकी प्राइस सही सेट है कि नहीं, क्या पता किसी में कोई प्राइस कम ज्यादा। ओके अगर प्राइस कम ज्यादा होती है तो अपने बगल में लिखा हुआ आ जाता है। बाकी मेरे को एक की प्राइस लिखनी है तो यहाँ पे है 3.98, जिसको अपन बेचने वाले हैं 3.90 में, डन। एक रुपए का प्रॉफिट है इस पे। एंड लेट्स गो, सब चीजों की मैंने प्रॉफिट सेट कर दिए। इन चीजों को बाहर फेंक के आ जाते हैं जो खाली डब्बे हैं। और यहाँ पे कोई खाली डब्बा है क्या? ओके अरे गाइस इन ये तो भरे हुए डब्बे थे ना भाई। ओके अच्छा नहीं, वो बस एक तेल का डब्बा भरा हुआ था जो कि अंदर रखा हुआ है। बाकी तेल बिक गया है एक, तो तेल ये भी यहाँ रख देते हैं। लेट्स गो, अभी शॉप करते हैं अपन बंद। बाकी अगले दिन के लिए अपने को मंगवाना है एक तो ब्लैक कॉफी, और शायद ब्लैक कॉफी है, एक सेकंड देखने दो मेरे को। ओके मेरे पास ये भी नहीं है ना, बट यार ये महंगे चल रहे हैं, इनको मंगवाने का मतलब नहीं है। ब्लैक कॉफी मंगवा सकते हैं अपन, तो इसको अपन ऐड करके रख लेते हैं कार्ट में। एक ये भी खत्म हो गया। चलो अपने को अगले दिन 110 का आइटम मंगवाना है। बाकी आज का दिन अपन खत्म करते हैं। आज अपना टोटल प्रॉफिट लॉस में चल रहा है भाई, 185। भाई कितना ज्यादा लॉस में चल रहा है। बाकी एग और ऑयल सस्ते हो गया है। अरे यार भाई ये क्या बात होती है, एग कल ही तो खरीदे थे यार, अब इसमें एग में देखना बिल्कुल प्रॉफिट नहीं आएगा अपने पास। 3.34 के चल रहे हैं ना, अगर अपन 30 का बेचें तो देखो कितना कम हो गया भाई प्रॉफिट। बाकी इसमें होल्ड एंड कैरी का ऑप्शन आ रहा है, तो क्या अपन इन चीजों को कैरी कर सकते? ओके पूरी मशीन कैरी होगी। चलो भाई अपनी शॉप तो ओपन करूं, मैं शॉप ओपन करना ही भूल गया आज वापस से। लेट्स गो, अभी मेरे पास एक मिशन आ रहा है कि परचेज अ न्यू सेक्शन यूजिंग अ कंप्यूटर टू एक्सपेंड योर स्टोर। भाई इस चीज इन चीजों के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है, फ्री में थोड़ी खोल रहे हो तुम लोग। चलो भाई कस्टमर, अरे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, भीड़ क्यों लगा रखी है? हटाओ भीड़, हटाओ, तुम लोग मेरी शॉप में आओ, समझ में आ रही? तुम लोग शॉप में आओ मेरी, समझते ही नहीं हो भाई तुम लोग। बाकी गाइज आज देखो मैं अपना सुपरमार्केट ऑन करके शहर घूमने आ गया हूँ, पता नहीं क्यों। अरे भागो जल्दी जल्दी वापिस से अपनी सुपरमार्केट में। चलो न्यू कस्टमर वेटिंग, ओके आ गया भाई आ गया। ये इतना सा आइटम तुम लेके जा रहे हो सालो, और फिर बोलते हो आधे घंटे से वेट कर रहे हैं हम। मैडम जी ने ले लिया चीज, और चीज शायद महंगा था, सही है। चलो मैम लाइए पैसा दीजिए आप।
आपको देने 10 पैसे और हमने दे दी। डन भाई, मेरे पास 103 रुपीज हो गए, बट मेरे को 165 रुपीज चाहिए। ठीक है भाई, तुम लोग आओ, तुम लोग सामान खरीदोगे तभी तो मेरे पास पैसा आएगा। 15 आपको देने, 40 पैसे, लेट्स गो। आइए मैम, आइए, आपको क्या चाहिए पता? मैडम जी अंडे लेके जा रही है, अंडे। 3.30 पैसे एंड लेट्स गो। मेरे पास 1.41 रुपीज हो गए, इसमें से कुछ हटाते हैं और फिर मंगवाते हैं जो ब्लैक टी है, इसको एक पैकेट ही मंगवा लेते हैं। लेट्स गो, मैंने परचेज कर दिया, फटाफट से चलो और इन आइटम्स को यहाँ जमवा देते हैं एंड डन। चलो भाई, अभी ये ब्लैक कॉफी और है मेरे पास, इसको रखवा लो। इनकी प्राइस सही तो चल रही है ना, 10 ओके, इसकी प्राइस सही है, इसकी प्राइस भी सही चल रही है। लेट्स गो। हेलो मैम, आपको 6 रुपीज देने। डन, आपको क्या चाहिए? अरे सीरियल मंगाऊंगा भाई, रुक जाओ, पैसा मेरे पे है नहीं, सीरियल तुम पहले ले लो। ओके, आपके सर 25.9 रुपीज हुए, आप बताइए। ये बहुत सारा आइटम है, आपको देने 40 रुपए चाहिए। ओके, ब्लैक कॉफी बिकने लग गई अपनी वापस। भाई ब्लैक कॉफी बिकती बहुत है। चलो भाई, मेरे पास वापस रुपए आने तो लग गए। और बाकी गाइस देखो, मैंने जो फ्रिज अपना डबल डोर वाला खरीदा वो सही था, क्योंकि अगर मैं इतना आइटम मंगाता ना तो ये एक रो में भर जाता और बाकी सामान बच भी जाता, और यहाँ अपन अभी और सामान रख सकते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला था ना, बड़ा वाला फ्रिज खरीदने फायदे में रहेंगे। डन, अब बताए। अरे यार, छोटा मोटा आइटम मत लेने आया करो, होलसेल की तरह लेके जाया करो आइटम, बहुत सारे। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी कुछ कह नहीं सकते इन लोगों। बाकी मुझे सीरियल्स खरीदने हैं जिनका प्राइस सही हो गया है, और फ्लोर भी खरीद सकते हैं, इनका भी प्राइस सही हो गया है, एंड ऑयल भी सस्ता हो गया है। लेट्स गो, एग्स भी सस्ते हो गए, और मुझे क्या खरीदना है? पास्ता, पास्ता, ओके, एक पास्ता खरीद देते हैं। लेट्स गो भाई, ऑर्डर करवा दिया है मैंने, आपका बिल कर देता हूँ मैम, 9.15। डन, सामान जमाने दो भाई, बाद में करूंगा मैं तुम्हारी बिलिंग। लेट्स गो, एग आए हैं अपने पास, ये थोड़े बहुत एग यहाँ रखवा देते हैं, बाकी बचे हुए नीचे। डन, इसमें अपने पास ऑयल है जो कि मैंने जमवा दिया है, और इसके अंदर अपने पास फ्लोर है जो कि अपने पास पहले ही बहुत सारा रखा हुआ है। यार फ्लोर बहुत हो गया, अब फ्लोर नहीं मंगवाएंगे। बाकी ये रही सीरियल्स, इन सीरियल्स को अपन जमवा देते हैं यहाँ पे। लेट्स गो, प्राइस सेट है ना भाई, इसकी प्राइस सेट है, सही है। चलो भाई, शॉप की लाइट ऑन करते हैं और अभी इन चीजों को बेचना चालू करते हैं। 10.1, लेट्स गो। गाइस देख रहे हो कितनी जल्दी 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 मैं सबको पैसे दे दे रहा हूँ, और इस पर गलती भी नहीं कर रहा हूँ मेरे जहाँ तक। भाई ये देखो, ऐसे लेके जाया करो भाई सामान, देखो 20 है सिर्फ और सिर्फ 25 का। मेरे को लगा इतना सारा सामान खरीदा है, बहुत सारा लेके जाएगी, सही तो भरा है 25। अच्छा, एक तो इनको सस्ता भी, तो फिर भी दिक्कत। अभी गाइस अपने पास 235 रुपीज हो गए इन लोगों की बिलिंग करते करते। पहले रुको, इनको देने तो बात करते में भाई दिक्कत हो जाती है, मैं ज्यादा पैसे दे दुआ देता हूँ इनको। बाकी ये देखो भाई सामान, ऐसे खरीदा करो, 33.85 का खरीदा। आपको क्या चाहिए मैम, बताइए। 32.90, इसके क्या रह गया? अच्छा, ब्रेड खत्म हो गई क्या? अरे ब्रेड खत्म मत हो ऐसे, रुक जाओ, ब्रेड और मंगवा के रख देता हूँ मैं। अच्छा, स्टोर क्लोज हो गया गाइस, तो आज का अपना दिन खत्म करते हैं। एंड आज अपने प्रॉफिट हुआ होना, ओके गाइस, आज अपना 258 का प्रॉफिट हुआ है, देख रहे हो, और आज अपना इसमें डे 6 है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने अपनी शॉप को अच्छा खासा अपग्रेड कर दिया है। बाकी आने वाले कुछ दिनों में अपन अपने किराना स्टोर को सुपरमार्केट बनाने वाले हैं, असली वाला, बाकी अभी सिर्फ नाम से सुपरमार्केट है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।